हेलो स्टूडेंट्स वही कंटिन्यू है हमारा एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये वाला कॉम्बिनेशन पार्ट फिर बोलता हूँ पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा इसमें लिया हो हमने सेवन एट नाइन लास्ट तीन क्वेश्चन था ये क्वेश्चन पहले कर लूँ फिर मिसेस वगैरह में जाऊँगा चलिए स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इन हाउ मेनी वेज कैन वन कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ इलेवेन फ्रॉम सेवेन्टीन प्लेयर्स इन विच ऑनली फाइव प्लेयर्स कैन बॉल इफ इच क्रिकेट टीम ऑफ इलेवेन मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली फोर बॉलर्स क्वेश्चन क्या है पहले क्लियर कर दू इन हाउ मैनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ इलेवेन प्लेयर्स फ्रॉम सेवेन्टीन प्लेयर्स टोटल प्लेयर है टोटल प्लेयर इक्वल टू सेवेन्टीन अच्छा इन विच फाइव बॉलर्स है यहां पे इक्वल टू फाइव और अदर्स है टूवल्व टोटल सेवेंटीन इन विच ओनली फाइव बॉलर्स कैन बॉल फाइव प्लेयर बॉलर है रिमेनिंग सर बॉलर नहीं है जो भी है अच्छा इस सेवेंटीन में फाइव बॉलर टूवेल्व अदर्स क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ इलेवन आदमी को चुनना है इलेवेन प्लेयर को चुनना है आउट ऑफ दिस सेवेंटीन इन विच फाइव बॉलर है इफ इच क्रिकेट टीम ऑफ इलेवेन मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली फोर बॉलर्स उस इलेवन में फोर बॉलर्स होना चाहिए नंबर ऑफ वेज सिंपली वेज इक्वल टू फोर बॉलर्स पहले ले लो फाइव बॉलर्स में से फोर ले लो फाइव में से फोर ले लिया अरेंजमेंट करना था तब तो पी लेते थे यहाँ ग्रुपिंग बनाना है फाइव में से फोर लो मतलब फाइव सी फोर फाइव में से फोर का अरेंज करो तब फाइव पी फोर अरेंजमेंट पी फोर सेलेक्शन सी पांच बॉलर में से चार बॉलर लेना है भाई ले लिए इन टू ये मल्टीप्लीकेशन होता है प्लस नहीं ये में, अच्छा बॉलर पांच में से चार लिया अदर टूवेल्व है ट्वेल्व में से हमें लेना है और सेवन जिससे कि इलेवन पूरा हो जाए फोर बॉलर्स ले लिए हैं सेवन और लेना है इक्वल टू अब वो वाला भी टेक्निक बता देता हूं फाइव सी फोर फैक्टोरियल में तोड़ोगे ऑल राइट लेकिन इसको छोटा करने का रूल भी बताया फाइव सी वन लिखो क्योंकि फोर प्लस वन फाइव हो जाता है इस तरीके से और ट्वेल्व सी सेवन को ट्वेल्व सी फाइव लिखो ट्वेल्व ही तो हाँ ट्वेल्व सी फाइव थोड़ा तो छोटा हो गया कैलकुलेशन भी इजी हो जाना चाहिए फाइव सी वन फाइव या फाइव बाई वन इन टू फाइव है फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ऊपर भी फाइव मेंबर ट्वेल्व से शुरू करके ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन इंटू एट पाँच होना चाहिए एक दो तीन चार पाँच ये फाइव फाइव काट दिए और क्या करूँ फोर और टू एट ये एट भी कैंसिल कर दिया ये थ्री थ्री जा नाइन भी कर दिया कैलकुलेशन आता है थर्टी थ्री इलेवन थर्टी थ्री और एक जीरो इंटू ट्वेल्व कैलकुलेशन जीरो को हटा के करता हूँ थ्री टू जा सिक्स थ्री टू सिक्स थ्री थ्री आता है आपका थ्री थ्री आया नाइन आया सिक्स आया जीरो आया थ्री नाइन सिक्स जीरो इज द नंबर ऑफ़ थ्री इन थ्री थ्री नाइन सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी तरह का टीम बन सकता है मतलब इसको निकाला उसको घुसाया दूसरा टीम इस तरह से डिफरेंट थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी टीम बन सकता है इतना में से सेवन नंबर मिटा देता हूं बहुत ईजी है कंडीशनल वाला भी करेंगे पहले टेक्स्ट बुक का मैं कर लेना चाहता हूँ ये एट नंबर ए बैग कॉन्टेंस फाइव ब्लैक एंड सिक्स रेड बॉल्स अच्छा फाइव ब्लैक ब्लैक बॉल्स ब्लैक फाइव नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स तो मैंने लिखा ब्लैक फाइव रेड सिक्स बॉल्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच टू ब्लैक एंड थ्री रेड बॉर्स कैन बी सेलेक्टेड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू एक बात बोल दो अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये सब है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिशिलस में मिल सकता है अगर मिशिलनेस में नहीं मिलता तो मैं दूसरे किताब से करके कराऊंगा ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है टेक्स्ट बुक तो रेड यहाँ क्वेश्चन था नंबर ऑफ वेज ए बेग कॉन्टेस फाइव ब्लैक एंड सिक्स रेड बॉल्स डिटरमिन नंबर ऑफ वेज इन विच टू ब्लैक होना चाहिए ब्लैक होना चाहिए टू फाइव से टू और थ्री रेड होना चाहिए सिक्स से थ्री एकदम सिंपल बात कैलकुलेशन करो फाइव टू है नीचे तो टू इंटू वन फैक्टोरियल तो मैं तो नहीं टाइम सेव करने के लिए और टू मेंबर फाइव इंटू फोर सीरियली थ्री है थ्री इंटू टू इंटू वन ऊपर भी सिक्स मेंबर लिखो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर किससे किसको काटू ये काट देता हूँ सिक्स ये सिक्स ये टू इधर आया टेन इंटू आया फाइव फोर जा ट्वेंटी अल्टीमेट टू हंड्रेड इसका आंसर टू हंड्रेड क्या बोला था मैंने नंबर ऑफ वेज 200 तरीके से हम लोग इसको अरेंजमेंट में ही सिलेक्शन कर सकते हैं नंबर एट वेरी इजी हटाइए नंबर नाइन सेवन पॉइंट फोर का लास्ट क्वेश्चन है ये इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज प्रोग्राम ऑफ फाइव कोर्सेस इफ नाइन कोर्सेस आर एवेलेबल एंड टू देखिए नंबर ऑफ कोर्सेस इक्वल टू नाइन है नंबर ऑफ कोर्सेस इक्वल टू नाइन है इस बात को इस तरह से समझिए जो हमने इलेवन में एडमिशन लेने गया वहां सब्जेक्ट वगैरह अब किसमें लू ऐसे बोलेगा फिजिक्स है केमिस्ट्री, है मैथ है आर्ट्स वाला भी इंक्लूड कर देता हूं म्यूजिक है पॉलिटिकल साइंस है इकोनॉमिक्स है नाइन सब्जेक्ट्स नाइन नाइन सब्जेक्ट है नाइन सब्जेक्ट में से कैन चूज ए फाइव कोर्स पांच सब्जेक्ट उसको लेना है नाइन में से पांच चूज करना है कंडीशन दिया है नाइन कोर्सेस अवेलेबल एंड टू स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स हम लोग इलेवन में एडमिशन लेते हैं तो ये इंग्लिश और ये एम दो तो कंपल्सरी इसके बाद ही आप चूज करो तो उसी तरह दो सब्जेक्ट कंपल्सरी नाइन में से टू सब्जेक्ट कंपल्सरी टू कोर्सेस आर कंपल्सरी टू कोर्सेस आर कंपल्सरी पांच लेना है पांच को चूज करना है भाई दो तो आपको लेना ही है नाइन में से दो फिक्स आपको लेना ही है तो बचा कितना सेवन दो ले लिया बचा सेवन सेवन में से आप तीन चूज करोगे नंबर ऑफ वेज इक्वल टू नाइन से फाइव नहीं नाइन में से टू तो आपको ले ही चुके बचा आपके हाथ में सेवन सेवन से अब अब सिर्फ थ्री लेंगे तभी तो फाइव होगा टू ले चुके टू ले चुके तो नाइन से टू गया सेवन सेवन से आप से थ्री लोगे यहाँ पे थ्री लेने से क्या हो यहाँ सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव तीन यहाँ भी तीन मेंबर थ्री इंटू टू इंटू वन ये सिक्स ये सिक्स कैंसर थर्टी फाइव एंसर नंबर ऑफ वेज ये थर्टी फाइव एंसर आ जाता है इजी में तो एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया इसको और लंबा नहीं करता हूँ अगला वीडियो में मिसिलनेस एक्सरसाइज शुरू करूँगा आप प्लीज़ कमेंट करते रहना मैं आपको सपोर्ट करते रहूँगा थैंक यू